नमस्कार, मैं आकाश पंडित आप सभी का एक बार दोबारा से अपने इस खास कार्यक्रम मैं भी हूँ मैदान में स्वागत करता हूँ। और इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह के विकास के मुद्दों के साथ में क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे, किस तरह के विकास के मुद्दे लेकर के ये मैदान में उतरे हैं। आइए बातचीत करना चाहेंगे हम यूसुफ अंसारी जी से। यूसुफ जी, किस विकास के मुद्दों के साथ में आप मैदान में उतरे हैं? भैया, मुरादाबाद के लिए नगर निगम में बहुत काम करना बाकी है। विकास के लिए यहाँ पे जल भराव की बहुत समस्या रहती है। जब बरसात होती है तो पूरा शहर पानी में डूब जाता है। सड़कें में जो घोटाला होता है उसे रोकना पड़ेगा। सड़कें अच्छी बननी चाहिए। जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बेतहाशा लगा है उसे किसी हद तक कम करना चाहिएगा। और चौराहों पे जो LED लाइट की व्यवस्था है उसको सुधार होना चाहिए। मुरादाबाद में जो जाम की समस्या उसे किसी हद तक उसमें सुधार होना चाहिए, उसे कम किया जाएगा अगर मौका मुरादाबाद में मेयर बनने का मिला। और जो प्रदूषण के लिए हमारा मुरादाबाद बदनाम है, जो मैंने कल भी और परसों भी पढ़ा है कि मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, उसकी रोकथाम के लिए हमें अपने पार्कों का सुंदरीकरण कराना पड़ेगा। वहाँ हरे भरे और अच्छी तादाद में पेड़ लगाने पड़ेंगे, और जो नगर निगम की लावारिस जगहें पड़ी हैं उसके अंदर भी पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे हमारे शहर में प्रदूषण के अंदर कमी आए और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ताज़ा हवा और ताज़ा स्वस्थ रहें। और बहुत सी समस्याएं, पीतल नगरी से लेकर रामगंगा बिहार तक का टटबान की बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए भी हम काम करेंगे। हम जब विधायक रहे 5 साल तो हमने कोशिश करके इसका DPR बनवाया जो 1100 कुछ करोड़ रुपए का है, और उसकी हमने अब जो अभी जो हमारा 2017 का मैनोफेस्टो था उसके अंदर भी इसको लागू किया, लेकिन बदनसीबी रही हमारी कि हमारी सरकार नहीं आई। इंशाल्लाह अगर अब हम नगर निगम में जाएंगे तो जो हमारी वर्तमान में सरकार है उनसे कोशिश करके इस काम को कराया जाएगा, और हमारी बड़ी भागीदारी नगर निगम की रहेगी। तो और बहुत सी ऐसी समस्याएं। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको लग रहा है, किस तरह का प्यार आपको मिल रहा है जनता के बीच में? ये तो आप अभी देख लीजिएगा कि जनता के बीच में आपके सामने हम सिर्फ एक कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे, यहाँ सैकड़ों की नहीं हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, ये देख रहे हैं। और ऐसे इलाके में जो ये पीतल नगरी और सूर्य नगर, कल्याणपुर और देवापुरी, बलदेवपुरी, ये सब बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ बहुत काम करना बाकी है। नई आबादियाँ हैं, इसमें अभी सड़कें भी बननी हैं, इसमें नाले भी बनने हैं, इसके अंदर बहुत सुधार होना है। तो यहाँ के आप देख रहे हैं कि अगर कैमरा डालेंगे तो आपको सारे लोग ही दिखाई देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी हम जा रहे हैं सैकड़ों की तादाद में नहीं हजारों की तादाद में हमारा लोग स्वागत कर रहे हैं, और बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग बहुत प्यार करते हैं। उसका एक सीधी सादी मिसाल है, मैं पिछला चुनाव लड़ा था तो लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, वो मेरी किस्मत रही, फैसला मेरे खिलाफ गया, लेकिन 1,20,000 से ज़्यादा वोट दिया। तो मेरे मुरादाबाद की जनता ने मुझे पहले भी बहुत प्यार दिया है, और इस बार भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हजारों वोटों से मेरी कामयाबी होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अब बात करें आपसे, अगर कि आप पहले आप विधायक रहते, अभी आपने खुद ने भी स्वीकार करा, उसके बाद में जनता ने आपको स्वीकार नहीं करा विधायक के रूप में, और अब आप मेयर पद के लिए आ चुके हैं, जनता आपको प्यार भी दे रही है, तो क्या ऐसा रोल आप निभाएंगे अब कि जो जनता आपको पूरी तरह स्वीकार कर ले? हमारी जनता ने हमें बहुत प्यार दिया, स्वीकार किया था। ये बदमाशी शासन की पूरा शहर जानता है कि मात्र 2200 कुछ वोटों से हराया गया है, तो ये कोई जनता के लिए नकारने वाली बात नहीं। 86,000 के मुकाबले में 1,20,000 देना तो ये जनता का प्यार ही है, और ये उनको स्वीकार ही करने वाली बात है। ये आपकी जो सवाल है ये सरासर गलत है। लोगों, मेरे शहर की जनता ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मुझे हमेशा अपने गले लगाया है, अपने सीने से लगाया है, कभी मुझे पीछे नहीं छोड़ा है। मैं विधायक रहा, जब मैं विधायक रहता उससे ज़्यादा प्यार दिया विधायक रहने से भी। तो मैं बार बार अपने शहर की जनता का तहे दिल से हमेशा स्वागत करता चला आया हूँ, धन्यवाद देता चला आया हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता चला आया हूँ, क्योंकि मेरी जनता ने, मेरे शहर के लोगों ने, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी महिलाएं, सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। अच्छा, स्मार्ट सिटी के लिए अगर हमारा मुरादाबाद का नाम जाना चाहे और आप मेयर बन जाते हैं तो आपकी क्या पहल रहेगी, किस तरह की आप सोच के आगे बढ़ेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी हम लोग खुद मिलकर बनाएं। हम इसके ऊपर जो फजूल खर्ची करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं विज्ञापन के नाम से या और किसी नाम पर, ये करोड़ों रुपया जो है वो हम खुद जनता के बीच में, जनता के ऊपर लगा दें। स्मार्ट सिटी, हम खुद मुरादाबाद के लोगों के अंदर इतनी सलाहियत है, इतनी काबिलियत है कि हम खुद अपने शहर को स्मार्ट बना सकते हैं। हम, इरादा हमारा नेक होना चाहिए,
तो मैं आपसे कहता हूँ कि स्मार्ट सिटी जरूर बनेगी, हम लोग सब मिलजुल के स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और अगर केंद्र सरकार अगर बनाना चाहती है उसका भी वेलकम है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। अच्छा, नोटबंदी का कोई सर आप देखते हैं चुनावी में? नोटबंदी का और जीएसटी का बहुत बुरा असर दिखाई दे रहा है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग घर से बेघर हो रहे हैं, जो लोग कहीं काम करते थे वहां से दूसरी जगह से अपना काम छोड़ छोड़ के पलायन कर रहे हैं, तो ये तो इसका सीधा सीधा असर इस चुनाव में भी दिखेगा और आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। तो क्या लगता है आपको उसका कोई फायदा आपको मिलेगा? इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के मैं मेयर प्रत्याशी हूँ, मुझे भी आप वोट दें, और जहां जहां मेरे पार्षद लड़ रहे हैं उन्हें भी वोट दें, साकिल का निशान का सामने वाला बटन दबाएं और उन्हें कामयाब बनाएं, और जो आप परेशानी और जो झूठे वादे करके लोग आपके बीच में आए, हम ना झूठ बोलेंगे ना झूठा वादा करेंगे, हमारा काम है काम करना, ईमानदारी से काम करेंगे और करके दिखाएंगे। खुदा देखते रहिए आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम मैं भी।